पैसे कमाने का सब तो वधिया तरीका है आई क्यू ऑप्शन में अगे भी तुम्हें दसिया डिस्क्रिप्शन के एक लिंक दिता उन्होंने जरा क्लिक करो तो उस तो बाद देखो आ स्क्रीन पर की होंगे जरा झाती मारो। सो गाइज आ एक तुम देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर डिपोजिट करने लिए तुसी किसी भी मैथड में यूज़ कर सकते हो ठीक है पैसे डिपोजिट करने लिए। सो मिनीम तुसी जिन्ने मर्जी कर सकते हो उस तो बाद मैं $5 से बिड करन लगा हायर से मैं क्लिक करता एंड बाय कर लिया ठीक है। सो उस तो बाद हुण आपां हायर से क्लिक किया दैन आप देखना वे हायर से रुकता कि नहीं जिते तक आ लाइन तुसी देख रहे हैं ना जेकर तो लाइन तक अप ही रहा तो आप जित जाएंगे जे डाउन आ गया दैन आप लॉस में जावे। सो लैट्स सी की होंगे ओके या सो $4.25 आप जित चुके टोटल मेरे को जो 9.25 जो मैं मतलब पूरी इनकम मेरी बन चुकी है। सो मैं बहुत घट लगाए पैसे जस्ट तुम्हें एक दिखाने लिए बट तुम इस तो वध भी लगा सकते हो तुम घट भी लगाओ उस तो बाद वध 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 जिन्हें मर्जी लगाओ तिदा पैसे जितो कुछ नहीं करना। लिंक चैक करो डिस्क्रिप्शन दे विच सब्सक्राइब करो पंजाबी रील टीवी बेल भी नप दो नप दो। हेलो जी माय नेम इज सनवीर सिंह एंड शी इज दिलप्रीत कौर सत श्री अकाल। सो गाइज करतारपुर साहब ते आपां ऑलरेडी बड़ियां वीडियोज़ बना चुके हैं तो करतारपुर साहब कोरीडोर वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट की हो चाहे लाहौर टू करतारपुर साहब हो करतारपुर साहब की किसी होर इनफॉर्मेशन बारे गल हो। सो अज एक होर वीडियो लैके हाजिर हो गए हैं जिसका टाइटल हैगा करतारपुर साहब विजिटेड बाय अजमेर सिंह रंधावा। मैं इन्हों जानता तो नहीं भी कौन है ये बट यह वीडियो लगातार अपने जो सुजैशन बॉक्स के आ रही है तो ये रिएक्शन बनाना अति लाजमी हो जाता है ठीक है होंगे ही है क्योंकि करतारपुर साहब की भी बहुत सारी वीडियोज़ बना चुके हैं डेफिनेटली। सो बिना किसी टाइम इस वीडियो शुरू करा पर उस पहले अपने चैनल करो सब्सक्राइब एंड द बेल आइकन एज वेल ताकि नोटिफिकेशन तुहाडे फोन तक मिल जाए। सो वीडियो करा शुरू लाइक टू गैट स्टार्टेड ओ सड़क जी फाइनल टच च पहुंच गई ना हां जी ओ वाओ बारादरी भी बन गई नूर का काम भी हो रहा है झाकी मारी जिथे मुसलमान गुरु के मुसलमान श्रद्धालु ने संस्कार उत्तर हिंदू ने संस्कार किया इतने अभी चादर मुस्लिम रीति दफना के विदा दी गई है जिसे भी कह संस्कार किया गया जिदा भी कहते हैं कबर कह लो दफन स्थान कह लो उसे संस्कार का स्थान कह लो ए जगह हैगी और अभी दुनिया में एयरफोर्स ने जो बम सुटिया बाबे नानक के इस खूह कैमरे इस खूह डिगया बम सिटिया इधर दी एयरफोर्स नहीं होया ओ इसका मतलब है कि नोइंग वेल दिस प्लेस वाज टारगेटेड डेलीबरेटली बाय आवर इंडियन एयरफोर्स एस पर बाबा हाथ दे के रखा था और एस बम अजे भी बार क्या जिसमें बार डिफ्यूज कर दिया गया जिसमें कभी नुकसान ना हो। अच्छा वो थी रखा हुआ है जो बाबा जी अपने पहलिया पानी के दे दिए और वही कर संता झगा चुके ढेड़ा पड़न लगा साढ़े भी सानू इस बंब ने शर्म सा गुरु घर भी नहीं किसी
जानकारी होर देना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि यह भावे चार पास की टैरिटरी बनती है, दूर तक इसे कंस्ट्रक्शन को सुंदर देख रहे हैं, नवी चेंजेस आ रही है, पाकिस्तान सरकार सब कुछ कर रही है, पर सिख संतान की एक अर्ज न मानते हुए पाकिस्तान सरकार ने ऐसे किसी भी पुरातन चीज़ का नुकसान नहीं किया, जिम्मे जो चीज़ चाहे खूह है चाहे वो बिल्डिंग है अंदरूनी महफूज वो उस तरह ही सुरक्षित है, कोई जरा जी कोई बदलाव नहीं किया गया। पाकिस्तान सरकार ने यह भी किया है कि 104 एकड़ जमीन जी जिसे गुरान की वाही करती थी उसमें भी पास महफूज है सुरक्षित करता गया, उसमें नहीं छेड़ा गया, सिर्फ गुरुद्वारे रास्ते गेट खड़ा ली गई है, सरकार ने दिवाली की है, संतान ने पूछा गया आराम नहीं किया गया, पर बाकी संतान ना बाबा जी जिसे बाबा जी ने वाही की थी वो जमीन में छेड़ा गया, ना खून ना मंदिर रेगिस्तान सारी वही जमीन खुद बन लगे वो भी है, और बाबा जी का पुरातन खूह है तीनों तीर तुम देख रहे हो किसी किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, संतान ध्यान ना लगे वो बहुत प्रमाण काम जरूर चल रहा है पर हेरिटेज में नुकसान नहीं पहुँचाया गया। शॉर्ट्स दोबारा आ गए ना वाले, बट अज मैं पूरा वीडियो दे विच खुब गया सीरियसली। ओह वाह, तो गाइस अज की वीडियो तो मैनू लगता जिमें जिमें आप करतारपुर साहब दी वीडियोज़ देखते हैं हर वीडियो दे विच कुछ ना कुछ नवा देखते हैं, मज़ा आ गया यार देख के, मजा आ गया नाले होर भी चीजा अंकल जी ने बहुत सारी चीजा दसिया जिदा ना नुकसान नहीं पहुंचे कहते बंब सटिया गया। हाँ एंड ये गल यार बाकी एक शर्मसार करने वाली है, हुण सानू प्रोपर इनफॉर्मेशन तो ये बारे है नहीं सी ना ही कदे सुनन चाहिए सी ये चीज़ तो, बट जे चीज़ इत्थे है तो बहुत माड़ी गल है ये चीज़ हुई, बट किदा हुई क्यों हुई ओदे बारे आपां नू कोई नॉलेज नहीं। हाँ जी है ना जिदा अंकल ने दसिया थोड़ा बहुत दसिया अंकल जी ने, बट जिदा ये दस रहे हैं कि चलो इन्होंने चमत्कार वर्ड यूज़ नहीं किया, बट मैं तो जरूर यूज़ करूँगा यार क्योंकि बहुत बहुत एक बड़ी वधिया वड्डी गल है, बंब सटिया तो कुछ होया नहीं, वो जिहड़ा बंब मतलब वो फटिया नहीं गा उत्थे है ना, उन्होंने खूह विच सिटिया गया मतलब तो बट फटिया नहीं, ये बहुत वधिया गल हुई कि नहीं फटिया, सो जिहड़ा सारी बिल्डिंग है सारा सुरक्षित रहा है ना, तो बट एक गल शर्मसार करने वाली है कि इंडियन गवर्नमेंट वालों ये चीज़ की गई, जो चीज़ गलत आ वो गलत आ, वो आप सही शब्दों में कह रहे हैं, जो गलत आ वो गलत जो गलत है जो सो बाकी जो गल करिए इन्होंने अज एक होर चीज़ डिफाइन की कि जिते चादर जो गुरु नानक साहब की भी अद्धी चादर जिते संस्कार किया गया तो अद्धी जिते दफनाई गई वो भी अज आप जगह दिखाई गई है ना, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੀ ਮਾੜੀ ਝਲਕ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਫਨਾਈ ਗਈ ਯਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੈਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ 'ਚ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਿਕਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗਿਫਟ ਆ ਇਹ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਗੇਟ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਏ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿਨ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ, ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਯੂ ਨੋ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਟ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੇਟ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ,
ਸੋ ਸੰਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ।